वेलकम माई चैनल DDS एजुकेशन। हमने लास्ट लेक्चर में फ्रेशनल बाय प्रिजम्स को स्टडी किया था एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लोअर्ड सिंगर मिरर। ये दोनों टॉपिक वेव ऑप्टिक्स के ही है और दोनों का यूज इंटरफेरेंस के बाद जो हमें फ्रिंजेस मिलती है वो फ्रिंजेस प्रोड्यूस करने के लिए है। सो लोअर्ड जैसे फ्रेशनल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, इसी तरह से लोयड ने भी एक सिंगल मिरर का यूज करके इंटरफेरेंस से फ्रिंजेस प्रोड्यूस करने का एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक मैंने ये सिस्टमैटिक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है जिसमें ये मिरर है जिसका अपर पोर्शन वेरी शार्प है एंड लोअर पोर्शन इज कलर्ड ब्लैक। ओके, एंड इट्स अप्रोक्सीमेट लेंथ इज 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 6 मीटर। इट यूज टू गेट द कोहरेंट सोर्स डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया है उसको कैसे डिराइव करना है, इस थियरी को कैसे लिखना है। सो यहाँ पे एक पोर्शन था है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने के लिए हमें हमारे पास टू ट्रिक्स है। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड सेकंड है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ये जो पोर्शन है उसमें डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का डिवीजन होता है क्योंकि यहाँ पे वन देख सकते हैं कोहेरेंट सोर्स मोनोक्रोमेटिक लाइट एज लाइक यू कैन से इज अ सोडियम लैम्प। सो सोडियम लैम्प यहाँ पे रखा है, उसकी जो वेव्स है उसका वेव फ्रंट यहाँ पे एमिट होता है एंड इट्स पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड प्रोड्यूस द S2। दैट मीन्स the virtual image of S1, it's called the S2. Now this and S1 and S2 both are act as a coherent sources and then reflection reflected and is processed to undergoes the superposition, and after the superposition interference occurs and at last we get the fringes. यहाँ पे जो फ्रिंजेस मिलती है वो सब डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस है क्योंकि हमें जो भी एक्सपेरिमेंट हमने किया था, आगे भी जो एक्सपेरिमेंट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड इसके पहले लेक्चर में हमने जो कहा फ्रेशनल बाय प्रिज्म, उसमें क्या होता है कि जो फ्रिंजेस सेंट्रल पे जो फ्रिंजेस मिलती है सेंट्रल मैक्सिमा वो डार्क होती है, बट यहाँ पे लोअर्ड सिंगर मिरर में यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो हमें ब्राइट मिलेगी। तो उसमें क्या है कि सम यहाँ पे मैंने कहा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लस एट ओ, ये सेंटर में इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव प्रोड्यूस होता है एंड यहाँ पे हम सेंटर से लेके बोथ ऑफ साइड अल्टरनेटली सेम फ्रिंजेस नहीं मिलती है, हमें इसको सम डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस यहाँ पे देखने को मिलती है यंग डबल स्लिट या फिर सिंगल मिरर में उस डबल स्लिट जैसा या फिर फ्रेशनल बाइप्रिज्म जैसी कोई फ्रिंजेस नहीं मिलती है। सेम टू सेम यू नो सेंट्रल मैक्सिमा ब्लैक, नाउ फर्स्ट मैक्सिमा ऐसे सीक्वेंस वाइज हमें जो इंटरफेरेंस है यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होती, यहाँ पे सब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है। सो इसकी खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक है लॉयड सिंगल मिरर की। एंड एट लास्ट हम बात करेंगे यहाँ पे बीटा लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। कैपिटल डी है यहाँ पे देख सकते, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन शीट टू स्लिट एंड डी स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 मीन्स कोहेरेंट सोर्सेस। सो width of fringe is called beta. ये fringe की width है, fringe की width derive करने के लिए हमें equation यहाँ पे लिख सकते हैं कि lambda d by d। ये same हमने fresnel by prism में भी यही इक्वेशन से उसकी फ्रिंजेस की विथ है वो डिराइव करते हैं और यहाँ पे भी लॉर्ड सिंगर मिरर में भी हम ये बीटा से ही ये उसकी ब्रिथ है वो फाइंड करते हैं। ओके, सो ये सिंपल सा फंडा है फिजिक्स का, एकदम नॉर्मल ही आप उसको स्टडी कर सकते हैं एंड वेरी सिंपल एंड इजी लॉर्ड सिंगर मिरर। अगर आपको कुछ इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं एंड दैट्स इट।
So thank you to watch my all videos and support me, and please subscribe, share and like my video. Thank you.